उसके बाद तुम जाओ मॉडरेट और उसके बाद जाओ एडवांस लेवल प्रॉब्लम में। तो ऐसे करके तुम कोई भी एग्जाम को फोड़ सकते हो, चाहे वो क्लास 12 हो, नीट हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस ही क्यों ना हो। डायरेक्ट फॉर्मूला पर के तुम एडवांस का लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। पहले सॉल्व एग्जांपल, उसके बाद इजी अननोन प्रॉब्लम, उसके बाद मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम, उसके बाद जाओ एडवांस प्रॉब्लम। तो ये कुछ टिप्स अगर आप लोग फॉलो करते हैं, ये मेरा दावा है, आप लोग खुद से ही 90% से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते। और हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये वीडियो क्लास 11 हो या 12 हो या नीट हो या जेई मेंस हो, सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे आप लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट तरीका क्या है। ये सब टेक्निक मैंने अपने टाइम पर अपनाया था और मैं अभी अपने सारे स्टूडेंट को ये सब टेक्निक फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये दिक्कत में रहते हैं कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, कैसे इजी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में मैं ये सब टेक्निक्स आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि एक प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को कैसे तुम अप्रोच कर सको, तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने पॉइंट के थ्रू लिखा है। ये सब पॉइंट्स मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग कोई भी एक न्यूमेरिकल को जो सॉल्व कर रहे हो उसका बेस्ट मेथड क्या है ये आप लोग समझ सके। तो पहला पॉइंट है, एट फर्स्ट गो थ्रू द प्रॉपर थ्योरी। चाहे तुम क्लास 11 में हो, 12 में हो, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, मान लो तुम क्लास 11 में हो, तुम प्रोजेक्टाइल का कोई एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले प्रोजेक्टाइल का पूरा थ्योरी पढ़ना होगा। या तुम क्लास 12 में हो, तुम क्लास 12 में कैपेसिटर का सीरीज वाला कोई प्रॉब्लम करना चाहते हो, तो पूरा थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में जाओ। मैंने ऐसा भी स्टूडेंट देखा है कि फॉर्मूला ना पढ़ के डायरेक्ट प्रॉब्लम में जा रहा है, और ऐसा भी देखा है कि जब फॉर्मूला से ना उठ के सिर्फ थ्योरी से प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्ट थ्योरी से, तो स्टूडेंट का हालत खराब हो रहा है। तो ऐसा मत करना, तुम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का प्रॉब्लम जब सॉल्व करो पहले डिटेल्स थ्योरी पर हो, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, फिर उन सभी फॉर्मूला को उसके बाद मेमोराइज करो। क्योंकि अगर तुम फॉर्मूला को देख के प्रॉब्लम कर रहे हो तब उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तुम जब कोई नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हो तुम्हें फिर से वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने फॉर्मूला मेमोराइज नहीं किया है। तो सेकेंड स्टेप है मेमोराइज द फॉर्मूला। पहले तुमने प्रॉपर थ्योरी पढ़ लिया, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब कुछ समझ लिया, फिर उसके बाद तुमने वो सारा फॉर्मूला मेमोराइज कर लिया। फिर उसके बाद क्या टेक्निक है, राइट ऑल द फॉर्मूलाज इन योर फॉर्मूला नोटबुक। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या क्या फॉर्मूला है तुम अपने कॉपी में नोट कर लिए। तो ऐसे हमें प्रॉब्लम करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारा फॉर्मूला होता है, और अगर तुमने फॉर्मूला को नोटबुक में नहीं लिखा तो ऑब्वियसली जब तुम फाइनली रिविजन करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हो पहले प्रॉपर थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद फॉर्मूला मेमोराइज करो, फिर उसके बाद जो जो फॉर्मूला है और फॉर्मूला कौन कौन से कंडीशन में वैलिड है, कौन कौन से कंडीशन में वैलिड नहीं है, वो सारा टॉपिक या तुम सारा फॉर्मूला या एक फॉर्मूला नोटबुक में अपने पास रखो, ताकि रिविजन करते टाइम बहुत हेल्प मिल सके। इसके बाद क्या है, देन इन योर बुक सी द शॉर्ट एग्जांपल वेरी केयरफुली। ये नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज भी मैं फॉलो करता हूं, और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखा है कि सिर्फ फॉर्मूला मेमोराइज करके डायरेक्ट प्रॉब्लम में जा रहा है और टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसा मत करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले बुक में कोई भी बुक ले लो तुम, उसमें जो सॉल्व एग्जांपल है और वो एग्जांपल कैसे उन लोगों ने सॉल्व किया है पहले वो मेथड देखो। फालतू में तुम डायरेक्टली जब प्रॉब्लम में जा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम का तुम्हें अप्रोच ही नहीं पता। तो पहले बुक में जो सॉल्व एग्जांपल अगर तुम खुद से कर रहे हो तो पहले बुक में जो सॉल्व एग्जांपल है उसको देखो, या तुम किसी सर के पास पढ़ रहे हो तो सर ने जैसे सॉल्व किया है वो भी तुम फॉलो कर सकते हो। डायरेक्टली जब तुम फॉर्मूला मेमोराइज करके प्रॉब्लम में जा रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि
शॉर्ट एग्जाम्पल से तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम का ऐसे 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 अप्रोच होता है। तो मैं पहले कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का प्रॉब्लम जब सॉल्व करता हूं, आज भी मैं पहले शॉर्ट एग्जाम्पल देखता हूं। शॉर्ट एग्जाम्पल देखने से माइंड में बहुत कुछ काम करता है कि ये प्रॉब्लम का ऐसा ऐसा अप्रोच भी हो सकता है। तुमने एक अप्रोच देख लिया तो तुम दूसरा तीसरा अप्रोच भी खुद से बना सकते हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूला तुमने मेमोराइज कर लिया, फॉर्मूला तुमने लिख लिया, उसके बाद तुम शॉर्ट एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखो। वो करने से एक दिमाग में एक आइडिया फिक्स हो जाता है कि ये न्यूमेरिकल का ऐसा ऐसा अप्रोच भी हो सकता है, और बुक में कौन सा अप्रोच दिया है पहले उसको देखो, फिर उसके बाद देन कवर द सॉल्यूशन पार्ट, नाउ ट्राई द प्रॉब्लम्स। उसके बाद तुम उस सॉल्व एग्जांपल का सॉल्यूशन पार्ट है उसको कवर करो, देन कवर सॉल्यूशन पार्ट, नाउ ट्राई द प्रॉब्लम्स। तुमने मानो तीन सॉल्व एग्जांपल देखा, तो पहले 15 मिनट उसको ध्यान से देख लो, उसका अप्रोच दिमाग में फिक्स कर लो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मेमोराइज मत करना, प्रॉब्लम मेमोराइज करने से बहुत दिक्कत हो जाएगा। प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम आगे कैसे हो रहा है, एक स्टेप, सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो माइंड में रखो। अब सॉल्यूशन पार्ट को कवर करो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फिर से वो वाला प्रॉब्लम तुम सॉल्यूशन को कवर करके दो बार ट्राई करो, क्योंकि ऐसे जो कॉन्फिडेंस गेन होता है वो तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। तो पहले शॉर्ट एग्जांपल को ध्यान से देखो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट को कवर करके फिर खुद से एक बार ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो एक बार तुम देख सकते हो कि सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये मैं आज भी फॉलो करता हूं, और अपने सारे स्टूडेंट को ये दो टेक्निक्स फॉलो करने के बोलता हूं कि ऐसे तुम एक क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हो। अगर तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला पर के क्वेश्चन में चला आए तो तुम्हें प्रॉब्लम का अप्रोच नहीं पता, तुम फॉर्मूला के भरोसे कुछ प्रॉब्लम कर सकते हो, लेकिन अगर जब टफ प्रॉब्लम आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं निकाल पाओगे। तो पहले शॉर्ट एग्जांपल को ध्यान से देखो, फिर उसके बाद उसको ट्राई करो। अब नेक्स्ट क्या है, देन गो टू द इजी अननोन प्रॉब्लम्स। ये पांचों टेक्निक तुमने फॉलो कर लिया, इसके बाद तुम जाओ अननोन प्रॉब्लम्स में, एडवांस में नहीं, अभी टाइम है इजी अननोन प्रॉब्लम्स। तुम एक के बाद एक ट्राई करो। देखो फिजिक्स एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, तुम्हें उसे टाइम देना होगा। अगर इस टाइम पर भी तुम बाबूश होना कर रहे हो तो जानू मानो कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें फिजिक्स को टाइम देना ही देना होगा, रोज एटलीस्ट 2 to 3 hours तुम्हें टाइम देना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगा। ये मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस देखा है कि बहुत सारा स्टूडेंट न्यूमेरिकल को लेके बहुत टेंशन में रहता है, क्योंकि वो लोग ठीक तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच ही नहीं कर पाते। कैसे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, वो तो कुछ स्टेप है ना, तुमने थ्योरी पढ़ लिया झट से तुम प्रॉब्लम में आ गए, तो वैसे तो तुम 2-3 प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते हो, और अगर कोई अननोन प्रॉब्लम आ गया तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मैं भी पहले ये करता था, जब मैं 2011 में अपने क्लास 11 में था, तो मैं पहले क्या करता था, फॉर्मूला पढ़ो फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम में आओ। तो ये मैंने फेस किया कि जब तुम थ्योरी पर के 2-3 फॉर्मूला रट के डायरेक्ट प्रॉब्लम में आ रहे हो बिना शॉर्ट एग्जांपल देखे, तो तुम 2-3 प्रॉब्लम ही कर सकते हो। उसके आगे अगर कोई अननोन प्रॉब्लम आ जाए या मॉडरेट या एडवांस लेवल का प्रॉब्लम आ जाए तो तुम खुद से नहीं कर सकते। तो पहले थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद फॉर्मूला मेमोराइज करो, उसके बाद सारा फॉर्मूला तुम एक नोटबुक में लिखो, फिर उसके बाद शॉर्ट एग्जांपल को देखो कि ऐसे 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 हो रहा है, उसके बाद वो प्रॉब्लम एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्यूशन को ना देख के, फिर उसके बाद जाओ तुम इजी अननोन प्रॉब्लम्स में जो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस देगा। अगर तुमने ये सब स्टेप्स फॉलो कर लिया और 6 स्टेप तक पहुंच गए तो तुम्हारा 90% हो गया। मैं मानता हूं ये 90% हो गया। फिजिक्स को तुम्हें टाइम देना ही होगा और सब सब्जेक्ट से थोड़ा ज्यादा तो टाइम देना ही होगा। ये मैं अपने सभी स्टूडेंट को बोलता हूं कि अगर तुमने न्यूमेरिकल्स को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम अननोन प्रॉब्लम को अप्रोच ही नहीं कर सकते। तो अननोन प्रॉब्लम का अप्रोच करने का क्या तरीका है, पहले तुम जो बुक में शॉर्ट एग्जांपल है उसको पूरा छान लो, एक एक शॉर्ट एग्जांपल छान लो, उसके बाद तुम आओ इजी अननोन प्रॉब्लम्स में। ये 6 स्टेप तुमने 90% गेन कर लिया। अगर तुमने ये सब स्टेप फॉलो कर लिया और 6 स्टेप तक पहुंच गए तो ऑलमोस्ट तुमने 90% कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, ये मेरा दावा है। उसके बाद तुम जाओ मॉडरेट और उसके बाद जाओ एडवांस लेवल प्रॉब्लम में। तो ऐसे करके तुम कोई भी एग्जाम को फोड़ सकते हो, चाहे वो क्लास 12 हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस्ड क्यों ना हो। तो ऐसे ऐसे टेक्निक फॉलो करो। पहले ही तुम जा रहे हो फॉर्मूला पढ़ के, मैंने 2 महीने पहले एक ऐसा स्टूडेंट देखा है फॉर्मूला पढ़ के डायरेक्ट जेईई मेंस का प्रॉब्लम कर रहा है,
और दो प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, तो बाकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। अगर कोई टीचर तुम्हें सॉल्व करके दे रहा है प्रॉब्लम, तो कुछ फायदा नहीं, तुम एग्जाम में कोई भी अननोन प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते। तो बेस्ट है अपना हार्ड वर्क करो और अपना मंजिल खुद बनाओ। टीचर तुम्हें एक गाइड कर सकता है, उसके अलावा टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। टीचर तुम्हें ऐसा ऐसा बोल सकता है, खुद का काम तो खुद करना होगा भाई। तुम्हें अगर सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने का जिम्मेदारी तो तुम्हें लेना होगा। टीचर एक गाइडेंस हो सकता है, मैं तुम लोगों को गाइड कर सकता हूं कि ऐसे 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 करो। अगर तुम दो प्रॉब्लम कर रहे हो, तुम जिसके पास भी पढ़ रहे हो, तो तुम दो प्रॉब्लम कर रहे हो, बाकी सारा प्रॉब्लम बोल रहे सर ये नहीं हो रहा है, अब टीचर को तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही देना होगा। तो पहले खुद ट्राई करो, पहले ये सब टेक्निक फॉलो करो, फिर जाओ अगर नहीं हो रहा है तो बोलो सर ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हो, दो तीन प्रॉब्लम कर रहे हो, कुछ टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो सर को, सर हमें ये सब सॉल्यूशन नहीं और आप प्लीज कर दीजिए, तो ऐसे तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो तो बहुत सारा मेहनत करना होगा, बहुत सारा मेहनत करना होगा। मंजिल पाना इतना मुश्किल नहीं है, उसको पाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, तभी तुम अपना मंजिल जल्दी पा सकते हो। तो बहुत ध्यान से, बहुत टेक्निक से, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तुमने अगर डायरेक्टली थ्योरी पढ़ के जेई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करने चले भाई, तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जीरो से ना माइनस लेवल पे आ जाएगा। तो अगर जीरो से ऊपर जाना है तो ये सब टेक्निक फॉलो करो, जीरो से माइनस में मत जाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ के तुम एडवांस के लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। पहले सॉल्व एग्जांपल, उसके बाद इजी अननोन प्रॉब्लम, उसके बाद मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम, उसके बाद जाओ एडवांस प्रॉब्लम। तो ये कुछ स्टेप्स अगर आप लोग फॉलो करते हैं, ये मेरा दावा है, आप लोग खुद से ही 90% से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम का अप्रोच कैसा होगा। अगर तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ जो बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करो, नीट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम नीट का सॉल्व कर रहे हो, नीट लेवल का प्रॉब्लम, तो थोड़ा नीट से ऊपर जाओ। जेई मेंस का प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, जेई मेंस का उतना भी प्रॉब्लम ट्राई मत करो जो सब जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। तो तुम नीट का जब प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा ऊपर जाओ, और जेई मेंस का तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें जेई एडवांस का प्रॉब्लम तो करना ही करना है, और इसी तरीके से अपना मंजिल बनाना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया। आप लोग अगर कोई भी डाउट है, तो आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।